हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। चलिए निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। यहाँ जो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है स्ट्रेस, नेक्स्ट आया है लेटिंग गो, नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू, नेक्स्ट आया है द मास्टर, सबसे ब्यूटीफुल कार्ड द लवर्स, कंप्लीशन, द रिबेल एंड लास्ट कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। के व्यूअर्स, तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें। एक बात आपको याद रखनी है कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं या फिर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके कार्ड से। यहाँ ये जिस किसी भी पर्सन की एनर्जी निकल के आई है, यानी कि जिस किसी की भी हम ये फीलिंग्स देख रहे हैं, यहाँ जो कार्ड्स हैं हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि इस वक्त वो पर्सन बहुत ही स्ट्रेस में है। यानी कि हमारे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं इस वक्त, वो काफ़ी बर्डन ले रहे हैं, उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से बहुत टेंशन में हैं। अपने करियर को लेकर टेंशन में हो सकते हैं, अपने लवर्स को लेकर टेंशन में हो सकते हैं, या फिर कोई और अदर प्रॉब्लम भी हो सकती है। उनकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ वो आपके पार्टनर की बात करी जाए या जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो इस वक्त आपके पर्सन के जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने जा रहा है, उनके अंदर कुछ बदलाव आने जा रहे हैं, उनकी थिंकिंग में बदलाव आने जा रहे हैं। और उनके कुछ एनिमीज़ हो सकते हैं जो उनको अपने आस पास घेरे रखते थे और उनके कान भरते रहते थे, उन्हें आपके लिए वलगलाते रहते थे, उन्हें आपसे दूर करने की साजिशें चलते रहते थे। अब इस पर्सन को अपने एनिमीज़ के असली चेहरे नज़र आने लग गए हैं, जिन्हें वो दोस्त समझते थे, दोस्त बनकर वो पीछे से वार करते थे, इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। इस पर्सन को समझ नहीं आता था, उन्हें लगता था कि ये उनके अपने हैं, ये उनके अपने फ्रेंड हैं जो उनके साथ लगे हुए हैं, उनका भला चाहते हैं। बट पहले ये पर्सन बहुत ही स्टक रहते थे अपनी लाइफ में, इन्हें चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आती थी, या तो ये बहुत भोले हो सकते हैं या फिर ये शायद समझना ही नहीं चाहते थे। अपने बचपने में ही काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करते थे जो इनको खुद भी पता नहीं होती थी कि ये कर क्या रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आता था कि ये किस तरफ जा रहे हैं, इनकी लाइफ का पर्पस क्या है, इन्हें करना क्या है अपनी लाइफ में, ये सारी चीज़ों से अनजान थे। बट अब इनके जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, धीरे धीरे जब इनके एनिमीज़ के चेहरे इनके सामने खुलते चले जा रहे हैं, तब ये बात को समझते चले जा रहे हैं कि कौन इनका अपना है और कौन इनका पराया है। और इसी थिंकिंग के रहते इन्होंने आपके साथ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें की, आपको बहुत सारा स्ट्रेस दिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में भी कभी कभी आप इनकी वजह से आए हैं, और इस चीज़ का इनको एहसास ही नहीं था कि ये आपके साथ कर क्या रहे हैं। आपको इन्होंने अंदर से तोड़ कर रख दिया। आपके जीवन में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हुई जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। कोई आपको इस तरह इग्नोर करेगा, कोई आपके साथ इस तरह का व्यवहार करेगा। आपने जिसको सबसे ज़्यादा प्यार किया, उसी ने आपके साथ ये सारी चीज़ें की, आपको धोखा दिया, फरेब दिया, और आपके जीवन से इस तरह अचानक से गायब हो गया जैसे कि वो आपकी लाइफ में था ही नहीं कभी। आप उसे याद करते रहे, कॉल मैसेजेस करते रहे, उसे पुकारते रहे, बट इस पर्सन ने आपकी एक भी पुकार नहीं सुनी, क्योंकि ये उस वक्त इतने ज़्यादा संगदिल थे कि आपकी कोई भी बात सुनने के लिए राज़ी ही नहीं थे। क्योंकि इनके अंदर तो जैसे कि एक शैतान सा आ गया था, ये खुद रिबेल का काम कर रहे थे, अपने ही जीवन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, साथ साथ आपकी लाइफ भी इनके साथ ख़राब होती चली जा रही थी। बट धीरे धीरे आपने खुद को संभाला, आपने पास्ट को लेट गो किया, यानी कि अपने जीवन में आगे बढ़ने का फ़ैसला किया, और ये आपका बिल्कुल राइट डिसीज़न था कि आपने अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया, सेल्फ लव करना स्टार्ट किया। आपको काफ़ी सारी ऐसी गाइडेंस भी काफ़ी जगहों से मिली होंगी, काफ़ी लोगों ने आपको गाइड किया, वो आपके जीवन में एक एंजल का काम कर गए, और इस चीज़ का एहसास आपको आज होता भी है। आपने अपने पास्ट को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ने का जो फैसला किया, बहुत ही अच्छा रहा, और काफ़ी सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। और जिस तरह से आप पास्ट में आपका दिल टूटा था, आपके अंदर बहुत सारे ऐसी दरारें पड़ गई थी,
अब जाकर आप उन दरारों को भरने का काम कर रहे हैं, उन दरारों को धीरे धीरे भरते चले जा रहे हैं। आप जो अंदर से टूट गए थे, अब आपने खुद को जोड़ने का काम स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि पता है क्यों हुआ, द मास्टर का कार्ड आया है। आप खुद के मास्टर बन गए हैं, खुद के क्रिएटर बन गए हैं। आप अपने जीवन की जो भी कहानी है अब आप खुद लिखने लग गए हैं। आपने सोच लिया है कि अपने जीवन की बागडोर आप किसी और के हाथ में नहीं देंगे, बल्कि खुद अपने जीवन को इस तरह, अपनी लाइफ को इस तरह बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे जिस तरह से आप खुद अपनी ही किस्मत लिखते चले जा रहे हैं। और इसमें आपको कामयाबी भी मिल रही है। और ये सारी ही चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि गॉड का सपोर्ट आपको मिल चुका है, एंजल्स का सपोर्ट आपको मिलता चला जा रहा है, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। आपने बहुत सारी प्रेयर्स की अपने पास्ट में कि आपके साथ सब कुछ ठीक हो, इस पर्सन को इसका कर्मा मिले और आपके जीवन में खुशहाली आए, आपके जीवन में कोई एक नया पर्सन आए जो आपकी लाइफ को हैप्पीनेस दे, खुशियों से भर दे आपके जीवन को। तो यहाँ पर व्यूअर्स, आपके जीवन में किसी न्यू पार्टनर की एंट्री होने जा रही है, कोई न्यू पार्टनर आपके जीवन में आने जा रहा है। और ऐसा लगता है अभी जो 8-8 पोर्टल स्टार्ट होने जा रहा है उसका असर अभी से होना स्टार्ट हो गया है। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने जा रही हैं जो कभी आपने सोची नहीं थी। अब आप अपनी जीवन की उस जर्नी को फिर से स्टार्ट करेंगे, खुशहाली आपके जीवन में आएगी, आपका जीवन जैसे कि कंप्लीट होने जा रहा है, ये कंप्लीशन आपकी लाइफ में आने जा रहा है। अगर अभी तक आपका थर्ड चक्रा ओपन नहीं था तो वो थर्ड चक्रा बहुत जल्द ओपन होने वाला है और आप अपने जीवन में कामयाबी हासिल करेंगे, सक्सेस हासिल करेंगे और अपने जीवन में आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। अपने पास्ट को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलने की बहुत सारे चांसेस हैं। और काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा भी मुझे यहाँ लगता है कि जो आपके ओल्ड पर्सन थे जिसके बारे में भी आप सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके भी चांसेस बन रहे हैं आपके जीवन में आने के, क्योंकि उनकी लाइफ भी कंप्लीट होने जा रही है, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आती जा रही है। उनके सामने भी बहुत सारे ऐसे लोगों के चेहरे सामने आ गए हैं जिनसे उन्होंने सीख लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया है, अपनी लाइफ को कंप्लीट करने का सोचा है। उनका भी थर्ड चक्रा ओपन होने जा रहा है, उनको भी काफी सारी ऐसी चीजें रियलाइज होने लग गई हैं। अब उन्होंने भी अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अब जो पहेलियां अनसुलझी थी वो पहेलियां एक एक करके सुलझती चली जा रही हैं और इनके जीवन में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो इन्हें आपकी वैल्यू को रियलाइज करा पा रहे हैं। इन्हें आपकी वैल्यू होती जा रही है, रियलाइज कर पा रहे हैं इस चीज को कि जो कुछ भी पास्ट में हो चुका है उसे तो बदला नहीं जा सकता, बट हाँ, इन फ्यूचर की आपके साथ काफी पोलाइट रहेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी होते जा रहे हैं। और अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो ये वहाँ से भी निकलने का सोच रहे हैं, क्योंकि के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, इनकी जो थिंकिंग पॉजिटिव होती जा रही है, ये निगेटिविटी को रिलीज़ करते चले जा रहे हैं, अपने जीवन की उन पहेलियों को सुलझाते चले जा रहे हैं। इनकी लाइफ में भी कंप्लीशन आता जा रहा है, तब जाके इन्हें ये एहसास हो पा रहा है कि आप इनके ट्रू लव थे, ट्रू लवर हैं आप इनके। इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो गलत किया, इन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था, इस चीज़ का भी इनको रियलाइजेशन है। और ये बहुत जल्द ऐसा लगता है कि अगर इनको ये सारी ही चीज़ें रियलाइज़ हो गई और ये पार्टी सिचुएशन से निकलने में कामयाब रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि ये आपके जीवन में वापस आएंगे और आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, आपका साथ मांगेंगे एक्चुअली, और आपसे माफ़ी भी मांगेंगे अपने किए की। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और कितना रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके बताएं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।